एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी शाम के बज गए हैं ठीक 6:30 और हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए, हमें कुछ शॉपिंग करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मुझे बच्चों के लिए ना कुछ सामान लेना है, स्टील के लंच बॉक्स लेने हैं और स्टील की वाटर बॉटल भी लेनी है, क्योंकि आप लोगों के ही कॉमेंट्स आए थे कि दी आप बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह चेंज कर दीजिए। तो हम लोग कल भी गए थे डी मार्ट, लेकिन कल बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि कल था संडे, इसीलिए हम लोग आज मंडे इवनिंग में जा रहे हैं। तो देखते हैं अभी जाके वहाँ पर क्या होता है और चीज़ें मिलती है कि नहीं मिलती है। कल हम लोग गए थे, थोड़ा सा हमने जो है देखा भी था, बट हमें कुछ समझ ही नहीं आया। एक तो भीड़ भी ज़्यादा थी और स्टॉक भी ख़त्म हो गया था। और डी मार्ट हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के ही कॉमेंट्स भी आए थे कि दी आप शॉपिंग डी मार्ट से किया करो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है सस्ता मिलता है। तो सस्ता तो वहाँ पर था, हमने कल भी चीज़ें देखी हैं, बट आज जाके देखते हैं और क्या क्या शॉपिंग करूंगी मैं और कितने का मुझे क्या सामान पड़ेगा, ये सब मैं आपको जो है शॉपिंग करने के बाद बताऊंगी। हम पहुंच ही गए हैं डी मार्ट, वो देखिए डी मार्ट बहुत दूर नहीं है हमारे, ज्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, पास में ही है। तो चलिए चलते हैं बाकी कर... जो जो चाह रहे थे वो मिल भी गया है, बाकी आपको घर जाके दिखाएंगे कि क्या क्या सामान लिया है। और अभी 8:15 बज गए, शॉपिंग करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। बहुत मजा आया। मजा बिल्कुल नहीं आया क्योंकि हम लोग इसलिए आए थे कि आज ज्यादा भीड़ नहीं होगी, लेकिन जिस टाइम पे हम आए थे ना उस टाइम पे कोई भी नहीं था, लेकिन अभी जो है ना धीरे 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 बहुत भीड़ हो गई थी, बहुत ज्यादा। तो अब हमने सोचा है कि कभी भी जब हम आएंगे ना शॉपिंग करने डी मार्ट में, तो हम लोग हमेशा दोपहर में आएंगे, मतलब वही 2-3 बजे के करीब आओ तो आपको खाली मिलेगा। इवनिंग टाइम तो बहुत ज़्यादा बिजी, और सैटरडे संडे तो बिजी रहता ही है क्योंकि उन 2 दिनों में छुट्टियां होती है। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, घर जाके बनाना है डिनर और बस घर जाके शॉपिंग दिखाएंगे आपको क्या क्या लिया है। तो जी फाइनली घर पहुंच गए हैं शॉपिंग करने के बाद और काफ़ी सारा सामान मैंने आज लिया है। बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो कि मेरे किचन में नहीं थी और आज मैं लेकर आई हूँ, और बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मुझे वहाँ पर चीज़ें मिली है। एंड इतना कुछ था ना डी मार्ट में कि लग रहा था ये भी ले लो वो भी ले लो, बट वही हुआ कि ना जैसे जैसे नाइट होती गई ना बहुत सारे लोग आते गए, मतलब भीड़ बढ़ती गई, फिर हम लोगों ने सोचा कि जल्दी जल्दी अभी जितना सामान मिल रहा है ले लेते हैं, बाकी छोटा मोटा सामान जो है बाद में हम लोग कभी ले लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपको दिखाना। तो वो हम लेकर आए और ये 2 पिलो लेकर आए हैं हम लोग। तो पिलो की बहुत ज़रूरत थी अच्छे पिलोज की, क्योंकि ना हमारे जितने पिलो हैं ना वो ख़राब ही हो गए हैं और वो अजीब सी रुई वाले हैं, तो ये लेकर आई हूँ मैं। और पैक ऑफ 2 है ये, 575 रुपीज़ इसमें MRP है, लेकिन 479 में ये 2 पिलो मिले। तो अभी इसको ना पहले ओपन करके देखती हूँ मैं, ये फूलते हैं कि नहीं फूलते। इसमें यही रहता है ना कि जैसे इसको ओपन करेंगे ना तो ये फूल जाएंगे, एकदम से बाउंसी हो जाएंगे, तो देखते हैं। अच्छा, इसको ना मशीन में वॉश भी कर सकते हैं, ये वॉशेबल पिलोज है। और तो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं है, क्योंकि जो पिल्लो होते हैं ना वो ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, वरना बैक में प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है। तो इस तरीके के हैं ये, बाकी तो सोने के बाद पता चलेगा। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इस तरीके की मैं 3 बॉटल लेकर आई हूँ, ये देखिए।
तो फ्रिज में पानी के लिए ये वाली 3 बॉटल है, तो ये हमें 59 रुपये में पड़ी है। तो इसका एक का प्राइस है 59 रुपीज़। वैसे तो इसमें 70 रुपये लिखा है MRP, बट वही है डिस्काउंट में मिल जाता है। और बॉटल देखने में भी बहुत सुंदर है, प्लास्टिक है लेकिन अच्छा वाला प्लास्टिक है, और ऑनलाइन आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो इस तरीके की जो है 3 बॉटल हमने ली हैं। वैसे तो मुझे 6 लेनी थी, लेकिन आपको पता है फ्रिज में स्पेस हमारा थोड़ा कम है, तो इस वजह से जो है ना मैंने फिर 3 ही ली है। उसके बाद मैंने कुछ ये लिया है स्टील का, और ये पूरी वगैरह निकालने के काम आता है। मेरे पास ये नहीं था, तो बहुत टाइम से मैं इसको लेना चाह रही थी, आज मुझे मिल गया तो मैंने ले ली। और ये 79 रुपीज़ की मुझे मिली है वहाँ से, काफ़ी अच्छी है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सस्ता है तो क्वालिटी में कुछ फ़र्क हो, क्वालिटी में फ़र्क नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हैवी है ये भी, देखिए। उसके बाद मैंने लिया है ये स्पून का स्टैंड, तो ये डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए मैंने लिया है, क्योंकि बार बार स्पून मांगते रहते ना सब, तो डाइनिंग टेबल में ये रखा रहेगा तो फिर वहीं से कोई भी स्पून ले लेगा। अच्छा, ये 69 रुपीज़ का है, इसके नीचे प्राइस इसका 89 रुपीज़ है, बट डिस्काउंट था तो 69 रुपीज़ में हम लोगों को ये मिला है। और साथ ही साथ ये स्पून का सेट भी लिया है, इसमें 6 स्पून है, और ये स्टील के ही है, 99 रुपीज़ में ये 6 स्पून हमें मिले। स्पून तो काफ़ी सारे थे, बट घर में जितने स्पून हो ना उतने कम लगते। मैं ढूंढ तो वो रही थी जो सेट होता है ना पूरा, जिसमें सारी चीज़ें रहती है, नाइफ वगैरह भी रहते हैं, बट वो कहीं मिला ही नहीं, तो इसलिए फिर सिर्फ स्पून हम लोगों ने ले लिए। तो इस स्टैंड के लिए ही ये लिया है, इसमें रख देंगे अभी, तो पहले वॉश करूँगी इन सब चीज़ों को, उसके बाद ही रखूँगी। और नेक्स्ट लिया है ये हैंगर, और ये प्लास्टिक के हैंगर है, बहुत अच्छा है, इसका प्लास्टिक बहुत अच्छा है। 6 पीस हैं ये, 120 रुपये के पड़े हैं ये, और ये वाइट और ब्लैक दो हमने लिया है इस तरीके से, मतलब पेयर बोलेंगे, 6 का था ना एक पेयर, तो 2 पेयर लिए हैं, 160 के हैं ये। इसी में स्टील के भी थे, बट स्टील से ज़्यादा अच्छा मटेरियल ये प्लास्टिक वाला लगा था मुझे, क्योंकि काफ़ी हैवी है, टूटेगा नहीं, तो इस वजह से ये ले लिए। उसके बाद हमने लिया है बच्चों के लिए वाटर बॉटल ली है ये, तो इसी तरीके की कल हम देख के आए थे, मतलब मैंने आपको बताया था हम संडे को भी गए थे और हमने छोड़ दिया, और आज ये वाला स्टॉक सारा ख़त्म हो गया था। तो ये ना इस वजह से लिया था कि बैग में इस तरीके से यहाँ पर से हैंग भी कर लेंगे, बट आज एक ही मिला, तो फिर वंशिका के लिए मैं ये वाली लेकर आई हूँ, स्टील ही है ये, और वेदांश के लिए मैं ये वाली लेकर आई हूँ ब्लू कलर की। तो ये वाली 169 रुपीज़ की मिली है, और ये 199 की है, ये थोड़ी सी महंगी है। वंशिका के पापा को ये वाली ज़्यादा पसंद आ रही थी, तो फिर मैंने उन्हें बोला ठीक है आपकी एक पसंद की और एक मेरी पसंद की, मेरी बेटी के लिए, ये वेदांश के लिए। और वैसे भी वेदांश छोटा है, तो फिर बॉटल भी थोड़ा सा छोटी हो तो ठीक रहता है, बैग का वजन ही इतना ज़्यादा होता है ना, फिर ऊपर से ये 1-1 लीटर की बॉटल्स भी जाती है, तो और भी ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो कैसी लग रही है बॉटल ज़रूर बताना मुझे, ये वाली बहुत पसंद आई है, ये पिंक वाली बॉटल। और मैंने लिया है ये ऑयल रखने के लिए, तो ये मेरे पास नहीं था ऑयल के लिए, और ये 219 रुपये का मुझे पड़ा है, तो इसको अभी ना ओपन करा भी नहीं है मैंने, इसको मैं ओपन करके भी दिखा देती हूँ आपको। और इस तरीके प्लास्टिक का तो मेरे पास काफ़ी पहले था, लेकिन इस तरीके का नहीं था, इस तरीके से ऑयल डालते और गिरेगा भी नहीं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो पसंद आया, तो फिर मैंने ले लिया। इस तरीके से कैप है, क्योंकि ऑयल की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, और इससे एकदम से ज़्यादा ऑयल भी नहीं डलेगा ना। अच्छा, मैंने ये लिए हैं 2 नमक के लिए, ये देखिए, तो ये भी स्टील के हैं, नहीं ये कांच के हैं, ये लग रहा है आपको स्टील का इस तरीके से बाहर से कवर लग रहा है, बट ये पूरा कांच है, और ये 89 रुपीज़ का है, मतलब एक 89 रुपीज़ का है। मैंने 2 लिए हैं, एक काले वाले नमक के लिए लिया है, एक वाइट सॉल्ट के लिए लिया है, तो ये भी मेरे डाइनिंग टेबल का ही आइटम है, ज़रूरत पड़ती रहती है ना इसकी, तो एक ही बार में इसमें नमक डाल के डाइनिंग में रख दो, बार बार कोई परेशान नहीं करेगा कि नमक लेकर आओ नमक लेकर आओ, तो क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है। अभी सारी चीज़ों को वॉश करना है, बट ये है कि कांच है ना, तो थोड़ा सा इसके साथ हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और अब आ रही आती है लंच बॉक्स की, तो पूरा स्टील तो मुझे नहीं मिला,
जैसे होता है ना पूरा स्टील वाला, वो नहीं मिला, मैंने बहुत ज्यादा ढूंढा। लेकिन जो स्टॉक कल खत्म हो गया था वो ये वाला स्टॉक था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। इसका लिड जो है ना वो है कांच का, नहीं इसका लिड जो है वो प्लास्टिक का ही है, इस तरीके का है। और इसको ओपन करते हैं और अंदर है इसमें स्टील, तो ये स्टील है, लेकिन ये जो बॉक्स मिला है ना ये प्लास्टिक ही मिला है इसके साथ भी। ये मैं मच्छी टकले लेकर आई हूँ, ये है पिंक कलर का और इसका ही ये ग्रीन कलर का मिला है, ये विदांश के लिए जो ग्रीन कलर का है ये विदांश के लिए। टिफिन जो ये 390 रुपीज में मुझे मिला है। और इसके बाद एक मैं ये इरेजर लेकर आई हूँ बच्चों के लिए, ये मोबाइल वाली इरेजर है तो बच्चे थोड़ा सा खुश हो जाएंगे ना, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा गेम भी उन्हें मिल जाएगा। ये मुझे 33 रुपीज में मिला है, नहीं 33 रुपीज इसका प्राइस है और ये 29 रुपीज में मुझे मिला है। तीन रबड़ इसमें 29 रुपीज की है ये। और साथ ही साथ मैं लेकर आई हूँ बच्चों के लिए ये हैंकी, क्योंकि उनको डेली जो है ना हैंकी की जरूरत होती है, तो इस तरीके की ये हैंकी मैं लेकर आई हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 हैंकी मैं लेकर आई हूँ और ये 25 रुपये का एक हैंकी है, तो इतना ही जो साइज होता है ना इतना ही बड़ा चाहिए होता है बच्चों को। इनको भी मुझे वॉश करना है, वॉश करके मैं रखूँगी। और एक ही पेंसिल बॉक्स में लेकर आई हूँ नटराज का, तो स्टेशनरी का सामान भी बच्चों का ख़त्म होता ही रहता है। और ये बैग हमने वहीं से लिया है, ये भी बैग ना शायद 29 रुपीज में हम लोगों को मिला, तो इस तरीके के दो बैग हमने लिए। तो ये तो अभी एक बैग खाली हुआ है, चलते हैं दूसरे बैग की तरफ। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो था मेरा रोटी वाला कैसरोल, जो बहुत टाइम हो गया उसको और वो अब अजीब सा भी लगता है देखने में गंदा, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ ये कैसरोल। अच्छा ग्रे कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है इसलिए मैं ग्रे कलर का लेकर आई हूँ, आज से मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ। और इस तरीके से इसका ये कैप है और ये मुझे मिला है, इसका प्राइस तो इसमें 549 लिखा हुआ है लेकिन ये मुझे मिला है 229 रुपीज़ में। और एक एप्रिन जो कि आप हमेशा बोलती थी एप्रिन पहना करो एप्रिन पहना करो, तो मैं एक एप्रिन भी लेकर आई हूँ अपने लिए। लेकिन ना एप्रिन में एक चीज़ मुझे थोड़ा सा जो सही नहीं लगी वो ये कि यहाँ ना बैग में वो जो थोड़ा प्लास्टिक वाला होता है ना जिससे भीगते नहीं है वो नहीं था, बहुत सारे एप्रिन थे किसी में भी नहीं था, तो फिर मुझे एक यही अच्छा लगा डार्क ब्लू कलर का, तो मैं यही लेकर आ गई हूँ। इसका प्राइस ये 119 का है, MRP इसमें 140 लिखी है लेकिन ये 119 रुपये का है। साथ ही साथ मैं लेकर आई हूँ किचन के लिए ये टॉवल, तो किचन में मेरे को बहुत ज़रूरत होती है टॉवल की ना, तो इसीलिए किचन के लिए टॉवल मैं लेकर आई हूँ। और ये भी 39 रुपीज़ का एक टॉवल है बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए, प्लेट्स वगैरह साफ़ करने के लिए, तो ये मैं लेकर आई हूँ, दो ज़्यादा नहीं लेकर आई, दो काफ़ी है। ये थी मेरी डी मार्ट से शॉपिंग, छोटा मोटा आइटम मेरे किचन का, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ, तो ये था मेरा वीडियो, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।